Assalamualaikum, good morning friends, welcome to my YouTube channel। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, आबाद रहे, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी अमेजोन की शॉपिंग शेयर करूंगी। अमेजोन से मैंने बहुत सारी ड्रेसेस मंगाई है, बहुत सारे कुर्ते मंगाए हैं, वो सब मैं आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी अमेजोन की शॉपिंग। ये देखिए एक कुर्ती ये है, अमेजोन से मंगाई है मैंने, ये पूरी प्रिंटेड कुर्ती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी लग रही है। मल्टी कलर में है ये, सब कलर इसमें आप लोगों को मिलेंगे और काफी अच्छी डिजाइन है इसकी, डिजाइन बहुत बढ़िया लग रही है माशाल्लाह। और ये उसमें कॉटन में है और इसकी स्लिप्स में आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए बीच में सेंटर में इधर बटन्स लगे हुए हैं इसमें, और इसका गला भी बहुत प्यारा है, बहुत शानदार गला लग रहा है इसका। और इसकी स्लिप्स में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए स्लिप्स, और स्लिप्स के नीचे इधर यहाँ पर पट्टी लगी हुई है, तो काफी अच्छा डिजाइन है इसका। और इसका दामन भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये तो पहले बैक साइड, ये इसका बैक साइड है, और दामन भी दिखा देती हूँ मैं आपको उसका, ये देखिए ये दामन, जो स्लिप्स पर पट्टी लगी हुई है उसी तरीके की एक पट्टी नीचे दामन पर भी लगी हुई है। और कॉटन के कपड़े हैं तो कॉटन के जो कि कुर्ती वगैरह तो बहुत ही शानदार रहते हैं, काफी कम्फर्ट रहते हैं हम लोगों को, और गर्मियों में तो हम बड़ी इजीली इन्हें पहन सकते हैं, तो गर्मी के हिसाब से ही मंगाई है मैंने। और ये इसके साथ पजामी है, कुर्ती के साथ प्रिंटेड पजामी है, बहुत ही शानदार पजामी है प्रिंटेड। और इसकी चुन्नी दिखा देती हूँ, ये देखिए चुन्नी, चुन्नी भी काफी बड़ी है, काफी लेंथ वाली चुन्नी है इसकी, देखिए बहुत शानदार चुन्नी है, प्रिंटेड है चुन्नी भी ये। और अब मैं आप लोगों को दूसरा दिखाती हूँ मेरा कुर्ता, ये देखिए मैंने ये फ्रॉक सूट भी मंगाया है, फ्रॉक मंगाई है, येलो कलर में है फ्रॉक, और यहाँ पर इसमें रानी कलर में ये बटन्स लगे हुए हैं, और नीचे ये देखिए प्रिंट है इसमें सिल्वर प्रिंट, ये भी बहुत शानदार है, काफी घेरदार फ्रॉक है ये, घेर इसमें बहुत ज्यादा है। और इसकी स्लिप्स देखिए, स्लिप्स पर यहाँ पर भी पट्टी लगी हुई है और इसमें सिल्वर वर्क हो रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका दामन भी दिखा देती हूँ, गला गोली है इसका, ये देखिए दामन, जो स्लिप्स पर वर्क हो रहा है वही दामन पर भी वर्क हो रहा है, नीचे सिल्वर वर्क हो रहा है और घेर बहुत ज्यादा है, और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये रेयन में है, रेयन कपड़े में। और इसकी चुन्नी दिखा देती हूँ अब मैं आप लोगों को, रानी कलर की चुन्नी है इसके साथ, प्रिंटेड चुन्नी है ये, पूरी चुन्नी है काफी बड़ी है, और ये पूरा इस पर प्रिंट हो ही रहा है, प्रिंटेड है पूरी, काफी शानदार चुन्नी है। तो ये तो सिले हुए हो गए मैंने, और इसके अलावा कुछ ड्रेस मटेरियल भी मैंने मंगाए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ड्रेस मटेरियल में है, मेहरून कलर का है ये, तो ये तो कुर्ती बनेगी इसकी, प्रिंट इसका बहुत ही प्यारा है ये देखिए, और नीचे दामन पर भी इस पे वर्क हो रहा है, दामन भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये इसका दामन है, बहुत ही शानदार, और कलर बहुत प्यारा है, और नीचे यहाँ पर ये गोल्डन लेस लगी हुई है। और इसके साथ की मैं आपको दिखा देती हूँ मटेरियल है ना, ये तो सलवार भी है, ये देखिए ये है सलवार का कपड़ा, तो सलवार भी प्रिंटेड है, छोटा छोटा प्रिंट है, बहुत शानदार लग रही है ये, और ये कॉटन में है, पूरी ड्रेस कॉटन की है। और इसके साथ की चुन्नी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कपड़ा तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा, चलिए ये इसके साथ की चुन्नी,
और चुन्नी पर ये लेस लगी हुई है, गोल्डन और मेहरून कलर की लेस है चुन्नी पर, और चुन्नी शाइनिंग वाली है, काफी शाइनिंग है चुन्नी के अंदर और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट है बिल्कुल। इसलिए तो ये मेहरून कलर के साथ बटन्स भी आए हैं बने हुए, बस ये जब मैं सिलवाऊंगी ना तब उस टाइम ये बटन्स लगवा लूंगी। अब ये देखिए रानी कलर की है ये कुर्ती, ये देखिए ये रानी कलर की पूरी कुर्ती है, ये इसका गला, यहाँ पर गोल्डन बटन्स लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार कुर्ती है ये, प्रिंटेड अस्तर वाली है, इसके साथ अस्तर भी आया हुआ है। और अब मैं आपको नीचे का भी इसका दामन दिखा देती हूँ, ये देखिए नीचे दामन, दामन के नीचे यहाँ पर गोल्डन कलर की पट्टी लगी हुई है, तो बहुत ही शानदार है ये, रानी कलर में और प्रिंटेड पूरी, और इसके साथ अस्तर भी है, अस्तर के साथ ही इसे लेगी कुर्ती, और उसी के साथ की ये सलवार है क्रीम कलर की, या तो सलवार बनवा लो या फिर पेंट बनवा लो, जो भी मतलब अपनी इच्छा हो कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी है, ये भी क्रीम कलर की सलवार है इसके साथ, और बहुत ही अच्छा लगता है देखिए रानी के साथ क्रीम जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो जी और चुन्नी देखिए, चुन्नी कितनी प्यारी है इसकी, ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी शानदार चुन्नी है ये, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पर इसमें गोल्डन वर्क भी हो रहा है, गोल्डन प्रिंट भी है और फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत शानदार लग रही है ये। और इस चुन्नी में शाइनिंग है, शाइनिंग वाला जो कपड़ा होता है वो है, इधर लेस लगी हुई है। अब मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा देती हूँ, मैंने एक पर्स भी मंगाया है आने जाने के हिसाब से, बहुत ही प्यारा पर्स है। तो ये देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा है, लाइट पिंक कलर में है ये, बहुत ही शानदार पर्स है। और इसमें चेन भी है, वैसे तो चेन बटन में भी है ये, अब अगर हम चाहें तो चेन से भी इसको लटका सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से इसमें हैंडल है, इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इसे खोलकर दिखा देती हूँ, इसके साथ कुछ सेट भी आए हैं, पूरे पर्स का सेट भी। तो ये देखिए एक पर्स तो ये है, पूरे पांच का सेट है ये, ये देखिए एक ये वाला पर्स है, बड़े आराम से अपने कुछ भी छोटे मोटे सामान हम रख सकते हैं, पूरा सेट है। और एक पर्स ये वाला है इसके साथ, और एक बिल्कुल छोटा सा पर्स है, ना एटीएम कार्ड वगैरह कुछ भी, बड़ी इजीली हम इसके अंदर रख सकते हैं, ये देखिए बड़े आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक सूट और मंगाया है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कश्मीरी कढ़ाई है, तो ये सूट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, बहुत ही अच्छा प्यारा सूट है ये भी, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जी कैसी लगी आप लोगों को मेरी ऑनलाइन शॉपिंग, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप लोग भी इनमें से अगर कुछ प्रोडक्ट्स, कोई सा भी प्रोडक्ट आप लोग मंगाना चाहते हैं, तो नीचे मैंने हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग भी वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग भी कीजिए अमेजोन से शॉपिंग जल्दी से। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।